हेलो पब्लिक, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई लोग, आज का सीन ये है कि 12 रबी उल का दिन है और हमने जो है ना, एक तो दो हफ्ते पहले डेट करवाई थी और एक आज करवाई है। तो उसके लिए सीन ये है कि अभी हम लोगों को, मैं अकेला ही कर नहीं सकता, सुबह सुबह का टाइम है और 11 बज रहे हैं अभी, तो सर्वर के पास जाना पड़ेगा। ले चलते हैं सर्वर भाई के पास, वो भी सो रहा ही होगा। अभी उसको उठा के फिर आगे के सीन देखते हैं क्या है। बोला था मैंने उसको शॉर्ट में डाल दी, बस सही है। हेलो बॉयज, तो भाई लोग, सीन ये था कि सुबह जैसे मैं जो है ना खान के पास गया, तो उसने बोला कि यार जुम्मे का दिन है और अभी टाइम नहीं है, तो अभी ये कपड़े चेंज करके तुम आओ, फिर हम जुम्मे के बाद जो है ना फिर न्याज का करेंगे। हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है। हाँ, और आप सुनाओ कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ व्यूअर्स कैसे हो सब? तो आज 12 रबी अव्वल भी था और जुम्मे का दिन भी था, तो आबिद भाई आया था मेरे पास, बोला आज न्याज वगैरह की बांटना है। तो शाम को क्या करेंगे? शाम को चलेंगे न्याज वगैरह बांटेंगे, बाहर से अभी पैकिंग करते हैं। पहले हम लोग खाएंगे फिर पैकिंग करेंगे, हम खाएंगे फिर पैकिंग। अभी वैसे हमने नाश्ता भी नहीं किया सुबह से। हाँ, मैंने डायरेक्ट उठ के, मैं भी नमाज भी नहीं होता, मतलब पता नहीं था 12 रबी अव्वल था भाई जान, हमारा चम्मच नहीं है भाई। जुम्मे के दिन हम ऐसे तैयार हैं, 12 रबी बोले तभी टोपी नहीं उतरेगी आज। आज पूरा दिन हमने टोपी पहनी, आपने इसको बताया? नहीं ऐसी बात नहीं, मैं इसके पास आया, सही, इसने मुझे बोला भाई जुम्मे है, मैं असल में एक 5 मिनट के लिए भूल गया था, आजा। फिर मैं याद आया, फिर मैं घर गया, मैंने कपड़े वगैरह करो, मैं खाना नहीं, बस चलो अभी यहाँ पर करते हैं, थोड़ा सा स्टॉप देते हैं, उसके बाद फिर सीन दिखाएंगे। तो भाई लोग, अब सीन ये है, सरोवर भाई जो है ना, अब इसको पैकिंग करेगा सरोवर भाई, मुझे दोनों शॉपर में पकड़ लिया आपके ऊपर पकड़े, ये काम आसान है, ये कर सकता हूँ। हाँ, तो जुम्मे का दिन भी है, 12 रबी उल अव्वल भी है। हाँ सरोवर भाई, ये कैसी आवाम है इधर यार? आवाम तो तभी इसकी नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, 12 रबी उल अव्वल और जुम्मे, अल्लाह हिदायत दे। मैंने तो सुना ये कोई रिश्तेदार है, जानने वाले तुम्हारे? ऐसे रिश्तेदार ऐसे, लेकिन यार देखो अभी हमारे पास राइफल, अभी अभी हम लोग को पैकेट नहीं आया ना, नहीं तो इनको सारों को भगा देते हैं। मसला ये है ना यार, देख रहे हो आप, घनी बांट रहे हैं, मतलब अभी पैकिंग कर रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं, बहुत खफा है यार। बस आबिद भाई मेहनत में लगे हैं। गेट पे कौन है बोल रही? अरे मैं जाता हूँ, देखता हूँ गेट पे जाने क्या करें। सही से डाल भाई, फुल कर रहा हूँ। तेल लेने नहीं, देख देने, असल में पेमेंट करनी थी ना उसको, जल्दी आ गया था, तो ये हमारा न्याज वगैरह रेडी है, बस आधा आगे ऊपर आ रहा है, वो भी मिक्स करेंगे। तो भाई उसने कि अभी मेहनत के बाद अब हो गया है, सरवर भाई ये जो है ना अपना कर रहे हैं, और ये हमारे पैकेट जो है ना तैयार हो गए। अभी कुछ भी रहते, कुछ कुछ रहते हैं, और कुछ जो है ना वो पॉट वगैरह में, बर्तनों में, क्योंकि वो फिर यहाँ करीब करीब है ना, और ये हम लेके जाएंगे दूर सेल कर दे। सेल? वो इलाके वाले तो हमने दे दिए, बाकी ये जो है ना ये बाहर जाएंगे, ये तो बाहर। और देख वाला देख भी ले गया था, मैं खुद देख आया था। हाँ वो वीडियो है, ये लास्ट बड़ी मेहनत लगी यार मेरे। चलो चलते, वैसे भी अब मैं फ्रेश हो गया था, फिर तो तैयार। हाँ ना, मेरी हालत देखो, ऑयल इतना आ गया है, वो काम कर रहा है। ऑयल नहीं है ये, तुम्हारे ऑयल कहाँ आता है? पेट्रोल, पेट्रोल यहीं से दे। तो ये हो गया सारा चीज। हाँ हम सरवर भाई देखते रहेंगे, काम देखते रहना, बस काम चले, काम हमारा हो गया सरवर भाई। हाँ जितना हमें करना था आपने कर दिया, बड़ा तुमने काम किया, सही से सही से पूरा। ये वाला तो आसान काम है। हाँ बहुत आसान है, तेरी शॉपर मेरा लग रहा है, जो तुमने बिठाने वाली है थोड़ी जाएंगे फिर। अभी वजन कौन उठाएगी? ये तू उठाया, और पर मैं बाइक चलाऊंगा ना भाई, मैं चलाऊंगा। मेरे कपड़े खराब नहीं करने, चलो देखते हैं, वो उसका मसला नहीं है। रेडी हो गया भाई। हाँ चले, रेडी हो गए, चल रहे हैं यार। ये चावल जो इधर आ रहे हैं ना, ये साफ करो, जमीन पे गुनाह मिलेगा। सही बोल रहे यार, सही मेरे बनाया हुआ छोटा ऐसा कपड़ा था, वो कहाँ? वो पता नहीं यार, इससे कल
मैं नहीं नहीं ये मेरा है छोड़, ये मेरा है यार, ये कारी साहब का है, ये तुमने कैसे इसको हाथ लगाया? अभी चलो ये लो कपड़ा लो। हम लोग फ्रेश हो जा गया और अभी ये वाला जो पॉट है ना सरोवर भाई, ये हम लोग को एक दोस्त को देना, तभी हमने पहले ले किया। एक ये पॉट है, दो तीन पॉट और हैं, वो ये पॉट देंगे फिर हम लोग आएंगे, क्योंकि तीन पॉट है ज़्यादा उठा नहीं सके, तो ये पॉट हाँ ये देंगे। उसके बाद जो हमने वो पैक की है ना शॉपर में और बोरी है, वो हम देंगे शाम को, शाम तक ख़राब ना हो जाए, बस ये डर है। वैसे नहीं होगा खराब, नहीं होगी, बस थोड़ी देर में शाम भी हो जाएगी, तीन बज रहे हैं, चार बज रहे हैं, अभी चार बज रहे, बस आधे घंटे में हम ये सारा काम निपटा के फिर ही आगे, फिर पाँच बजे मज़ा आएगा, पाँच बजे जब निकलेंगे रश भी होगा अच्छा खासा। और अभी अब्दुल्ला भाई ये जा रहे हैं ये इलाके इलाके में देने के लिए, सही है, चलो निकलो, जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ जल्दी 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 यार मैं नहीं आ रहा है। अच्छा जाओ जाओ प्यार से बोलो, कैमरा बंद कर, चाबी चाबी तेरे पास है ना, नहीं है, मैं जेब में देखता हूँ, कैमरा बंद कर, कर रहा हूँ कर रहा हूँ, हमें बहुत काम है वैसे भी कैमरा के अलावा। चलते हैं अब सीन ये सरो भाई को देते हैं चाबी, सरो भाई फोन कौन सा वो वाला, पुराने और दिल के करीब दोस्त हैं भाई, अखिल भाई और नवाज भाई से गाले हैं, खुश लगे भाई, दिल खुश हो गया हमारा, मिलते हैं भाई आप लोग को, शरबत शरबत चल के पीते हैं, ये सरोवर भाई को पिलाते हैं, आप लोग इन्हें भाज नॉलेज है, इन्हें नॉलेज है उमेर, उमेर भाई, उमेर भाई बिल्कुल खैरियत है, अमन है वो हमारे सुल्तान भाई हैं, सुल्तान भाई के साथ भाई वसीम भाई हैं और ये मुनव्वर भाई हैं, सारे अपने दोस्त यहाँ भी है, तो आप देख सकते हैं जा रहे थे, अब दास्तें मिल गई है, आपको पता है मिलाद नबी चल रहा है, तो ये आबिद भाई हमारी पूरी गैंग के साथ है, तो ये सारे मतलब सीन चल रहे हैं, अभी निकलेंगे रेडी निकालेंगे आगे, तो आगे दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये आबिद भाई हैं, ये अभी पुरानी बांटेंगे हम यहाँ पर, ये सरबत भाई के देखें, अचानक रश हो गई, ये आबिद भाई दे रहे हैं, ये सरबत भाई दे रहे, ये रहा था ये अचानक रश हो जाएगी, आप खाली बाइक रोके रश हो जाएगी, अचानक रश शुरू हो गई है, ये आबिद भाई प्रेशर में आ गए हैं, सरवर भाई देखे बांट रहे हैं, बांट रहे हैं रश हो भाई यहाँ पर, रश वाले देखे आ रहे तो वसीम भाई कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, खुशी महसूस, खुशी भी बिल्कुल, अगली दफा इंशाल्लाह यही कह रहा था कि बोरा खोलो, खाली आप सुल्तान सुल्तान हमें छोड़ के चले गया, वो ये बोलना सुल्तान ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, हमें अकेला छोड़ के चले गए, बहुत बंदे वो हमें मार, कौन अभी सीन ये चलते हैं सरोवर भाई,
आदम अली की जीत है 1980 की है। 1980 बहुत हार्ड प्लेट नंबर बीबी 64। ये 2 करोड़ की नंबर प्लेट थी। दो जेरी गुस्से की तो नहीं है गाड़ी है, ये उसकी लग रही है मुझे तो। ना तभी 2 करोड़ की प्लेट नंबर है उसकी। टायर ही महंगे पड़े हैं इसके अंदर। हाँ टायर 6 करोड़ के। अमेरिकन पानी। अमेरिकन पानी। तो सरवर भाई यहाँ शूट करने हैं अब इसके। अभी जीप पे थोड़ा हम ना शूट का। टोटल ये कितने करोड़ की है उतारेंगे? हैं वसीम भाई टोटल कितने करोड़ की है? मेरे ख्याल से होगी इसका टायर ही खाली 10 करोड़ का। 20 मिलियन डॉलर की होगी। हाँ 20 मिलियन डॉलर। ये 2 करोड़ की जीप। नहीं नहीं वो बताया ना कितने मिलियन डॉलर की। ये 20 मिलियन डॉलर की। हाँ 20 मिलियन डॉलर। 20 मिलियन डॉलर हमारे भाई देखे मेहनत कर रहे हैं, बहुत खुशी है हमें देख के। तो दिखाते हैं फिर आगे की। अभी फिलहाल अभी ये लो खान बंद करो उसको। ये कहाँ गए सुल्तान वाले? कहाँ गए सुल्तान वाला गाड़िया? वसीम भाई किक का है आपकी? वसीम भाई किक का है आपकी? किक तो नजर नहीं आ रही गाड़ी में, स्टार्ट कैसे हुई? किक तो है ही नहीं बाबा। सही पर किक गिर। वसीम भाई क्या बोल सकते हो? यार बहुत एंजॉय किया आज हमने। हाँ और महिलाएं भी अच्छी है मुझे लग रहा है। लग रहा है दोस्तों, देख सकते हो आवाज़ तो क्लियर नहीं होगी लेकिन यहाँ बड़ा मजमुआ लगा हुआ है। काफी सल्ता हूँ मैं। कार्ड लेकर घूम रहा है। ब्लॉग एंड करते हैं यहीं पर आज का। सही है, इजाज़त है क्योंकि आज सीन हो गया थोड़ा बड़ा। आज हम ब्लॉग एंड करते हैं। सही है, बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। वसीम भाई ये हमारे दोस्त हैं, इसके खातिर हम यहाँ आए थे। उन्होंने हमें बर्गर भी खिलाया, बोतल भी खिलाया। और अभी हो गया व्लॉग ज्यादा, अभी थोड़ा हम लोग प्राइवेट घूमेंगे। सही है, बाकी व्लॉग अभी यहाँ पर है। सही है, 12 रफी का आज का यही सीन था। हाँ तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह।